दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो पे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फोटोशॉप से फोटो की साइज को कम ज़्यादा कैसे करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों आपको सबसे पहले है वो फोटोशॉप को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फोटोशॉप को ओपन कर रखा है। दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, फोटोशॉप को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे फाइल वाले आप यहाँ पर देख सकते हैं कोने में फाइल का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप वो ओपन पे क्लिक करना होगा या फिर आप कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं, कंट्रोल और यहाँ पे ओ, तो आपके सामने कुछ ऐसा शो होगा। यहाँ पे आपका जो भी फोटो या कोई डॉक्यूमेंट है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है या फिर और भी कोई डॉक्यूमेंट आपका हो सकता है, उसकी साइज़ को कम या ज़्यादा करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इस फोटो को मैं यहाँ ले लेता हूँ, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना होगा। तो आपके सामने फोटो है, आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे मैंने पहले से ओपन कर रखी है। चलिए मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ ओपन, कंट्रोल ओ और यहाँ पे इस पर टैप करता हूँ, फिर यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो आपके सामने फोटो कुछ ऐसे शो हो जाएगी। ओके, अब दोस्तों आपको यहाँ पे इस फोटो पे आपको सबसे पहले यहाँ पे टैप करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे फाइल वाले आइकन पे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव फॉर वेब, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पे साइड में आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कलर और यहाँ पे इमेज साइज, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों एक समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो एक क्लिक का आइकन आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके अनक्लिक करता हूँ, ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ 1000, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस पर अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो कुछ ऐसे कुछ आपके सामने आएगी, ठीक है, तो ये सही नहीं है। हम चाहते हैं कि चारों ओर से बराबर आए, तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं आपकी फ़ोटो यहाँ पर 305 KB की फ़ोटो है, ठीक है। दोस्तों इसका मतलब ऐसा है कि आप इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं कर रखा, तो आपको सबसे पहले विड्थ और आपको हाइट है वो अपने हिसाब से आपको सेट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ 150 और नीचे मैं यहाँ पे हाइट में लेता हूँ 200 और फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी आपको शो होगी। यहाँ पे कभी कभी आप फॉरम भरते हो ऑनलाइन, तो वहाँ पे बोला जाता है कि आपको आपकी फ़ोटो की साइज़ है वो इतनी से इतनी होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे इसमें डाल देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक, जैसे आप कभी कभी फॉरम भरते हो तो उसमें आता है कि आपको 150 KB तक की फ़ोटो चाहिए, तो क्या करना होगा, आपको इसमें क्लिक करना और यहाँ पे 200 आप डाल दीजिए और यहाँ पे देखिए नीचे ऑटोमेटिक यहाँ पे हाइट है और यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई है। आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा, तो आप देख सकते हैं चारों ओर से ये सही है क्योंकि आप ऑटोमेटिक यहाँ से ये हो चुकी है। यहाँ पे देखिए नीचे देखिए यहाँ पे आपकी फ़ोटो यहाँ पे 33 KB की है। आप चाहते हो कि अगला बोल रहा कि आपको फ़ोटो चाहिए 200 MB की, ठीक है, 200 KB सॉरी, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा डालने होंगे। ये देखिए यहाँ पे 1.31 MB की फ़ोटो हो गई है, हमें यहाँ पे कम की लेनी है तो आपको यहाँ पे 1200 डाल देना और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 70:1.6 KB की फ़ोटो हो गई है। बस इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जिस भी नाम से आप इसको सेव करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं कि यहाँ पे GIF के अंदर सेव हो रही है, इसे हमें JPG में करना, तो वो कैसे करें। दोस्तों कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जी फाइल है, ठीक है, यहाँ पे JPG क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे हाई क्वालिटी पहले ही है और यहाँ पे सेव कीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं JPG में आ गया है, इसको सेव कर लीजिए। आप ऐसे अपने फोटोशॉप से है वो फ़ोटो की साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना कमेंट करके और आप इस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।